ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स अपने थायराइड के जांच तो मैंने करवा ली है, दवा लेने के लिए जा रही हूँ। तो ये रहा मेरा ओल्ड घर यानी कि पुराना मकान जहाँ मतलब मैं रहती हूँ, और ये पुराने ज़माने का बना हुआ है। तो इसके द्वार हैं जिस तरीके से राजा महाराजाओं के हुआ करते थे उस टाइप का है। इसको लगभग 90 ईयर्स ओल्ड मकान है ये, 90 साल पुराना गाटर पट्टी पर बना हुआ सारा ये मकान, ये पुराना वाला आप देख सकते हैं। ये मैं शॉर्टकट होते हुए जा रही हूँ दवा लेने के लिए। इधर मेरे को बीच में ना ये ट्रेन मिल गई थी, तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। इधर मैंने मुँह इसलिए ढका हुआ था, मैंने दुपट्टा नहीं बांधा था, तो मैंने पर्दा कर लिया था यानी कि ना मुँह ढक लिया था जिससे कि ना डस्ट वगैरह मेरे चेहरे पर ना जाए और धूप वगैरह ना लगे। तो मैं इसी तरीके से कवर करती हुई मैं जाती हूँ। वैसे भी मतलब गाँव में थोड़े बड़े चल मिलते हैं, तो मेरे को तो पर्दा भी करना पड़ता है। अभी गाँव से मैं बहुत दूर आ गई हूँ और मुझे इसी कच्चे रास्ते से होते हुए दवा लेने के लिए जाना है, और फिर से मेरे को बैक आना है इन्हीं रास्तों पे होते हुए। तो मैं आपको एक बार पहले बता दूँ, तो ये देख लीजिए ये पूरा कच्ची मिट्टी मतलब कच्चा रास्ता है ये देख लीजिए। और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ढलान थी, मैंने कहा कि इस तरीके से बाइक निकली थी, मतलब कि चढ़ी भी इसी तरीके से थी यहाँ पर और फिर निकली भी इस तरीके से थी। तो ये बहुत पुराने जो कच्चे रास्ते होते थे ना वो है। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देख लीजिए जो रेड कलर का उधर जो पुल दिखाई दे रहा है, इधर एक नदी हुआ करती थी और ये पुल था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने टाइम में, जब भारत पर शासन था, इंडिया पर शासन था उस टाइम का। ये अंग्रेज़ ने ब्रिटिश सरकार जो अपने हिंदुस्तान पर राज करके गई थी, तो इधर से उसने पुल बनाया था। आपको तो पता है पुल वो उसने इस जगह इंडिया में क्यों बनाए थे, क्योंकि ना अपना भारत से ज़्यादा माल लूट कर वो इधर से ही होते हुए निकालते थे, बट इधर एक नदी रास्ते में पड़ती थी, इसलिए हमारे इंडिया के लोगों से उन्होंने ना मजदूरी करवा के उन पर उनके ऊपर मतलब ज़्यादा जोर जबरदस्ती करवा के उनसे ये पुल बनवाया मजदूरी करवा कर। तब ये मतलब कि उस टाइम का है जब अपना भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था, अपनी ब्रिटिश सरकार का शासन जब इंडिया पे था उस टाइम का ये पुल था। इधर बीच में नदी पड़ा करती थी, तब जाके ये पुल ब्रिटिश सरकार ने बनाया, क्योंकि उसको यहाँ से सामान ढोने में दिक्कत होती थी। तो चलिए फ्रेंड्स दवा लेकर मैं आ गई हूँ। उस टाइम फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मैं परेशान थी, मैं लौट के आई मैं फिर मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ था, इसके कारण मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। वरना ये सुबह का ब्लॉग है यानी कि कल मैं दवा लेने गई थी जब ना 11 बजे मैं घर से निकली थी और मैं 3 बजे घर वापस आई। फिर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ना एक तो तबीयत भी ख़राब है, काफ़ी दिनों से सही नहीं है, और फिर मैं से इतना नहीं हुआ कि मैं ब्लॉग भी शूट कर पाती, जिसके कारण से मैंने उधर ही अपना ब्लॉग ना शूट करने का फैसला लिया। फिर मैंने कहा कि सुबह ही जो कुछ करूँगी। तो सुबह फिर से मैं अपने काम में लग गई यानी कि डेली रूटीन के साथ आज फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत करती है। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में, अपने वीडियो में। तो एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय ऑल ऑफ फ्रेंड्स। तो इधर देख लीजिए आज करती हूँ मैं ये चूल्हे की सफाई। तो फ्रेंड्स ना ये चूल्हा काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ था, आपको पता है पहले उस कॉर्नर के अंदर जो चूल्हा था ना वो फूट चुका है, उसको मैंने फेंक दिया है। तो ये नया वाला चूल्हा है, तो मैंने इसको इस जगह पे रख लिया है। अब मेरे को ना इसको ना ये जलाया हुआ ना तो ये काला काला हो रखा है, तो मैंने कहा कि चलो इसकी सफाई करके रख दूँ, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम चूल्हे का यूज़ करूँगी तो ये मेरे को सफाई करा कराया मिलेगा यानी कि बिल्कुल साफ़ मिलेगा, तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, चूल्हा बिल्कुल साफ़ रहेगा। और तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसको मैं साफ़ कर दूँ। तो फ्रेंड्स ना अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो ना तबीयत नहीं ठीक है तो क्या हुआ, काम तो करना ही है, तो इसलिए मैं अपने काम में जुट गई हूँ, क्योंकि काम तो मेरे को ही करना है। और दवा लेने के बाद इतनी ज़्यादा वहाँ से आकर इतनी थक गई थी, फिर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स के मैं कुछ काम कर पाऊँ, मतलब कि चलना फिरना नहीं पड़ा था, बट ना जो धूप होती ना धूप में से रोज़ निकलते ना तो हैबिट पड़ जाती है, और धूप में निकलती तो हूँ नहीं जब मतलब कि अपने घर पर ही रहती हूँ, काम वाम करती रहती हूँ, बट इतनी नहीं है कि धूप में मैं ज़्यादा निकलूँ। तो ये आपको बता देती हूँ रीज़न, मैंने मतलब कि सर भी धुला था अपना, तो मेरे
जो बाल थे गीले थे, तो मैं ऐसी चोटी करके जल्दी जल्दी से जूड़ा लगा कर चली गई थी। तो शायद ये हो सकता है मतलब कि धूप लगी हो ना, ठंडी हवा लगी हो, तो इसके कारण से मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर मैं आके रेस्ट किया, मैंने खाना पीना खाया हाथ मुँह धुल के, और फिर उसके बाद मैं एक दो डेढ़ घंटे के लिए मैं सो गई थी। जब मैं उसके बाद उठी, फिर मैं अपना बस ओनली मैंने अपना मतलब कि वीडियो एडिटिंग वर्क किया। उसके बाद फिर से मैं अपने किचन के काम में डेली रूटीन की तरीके से लग गई, मतलब कि खाना पीना शाम का जो होता है ना वो बनाने के लिए लग गई। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं आपको ना नाइट व्लॉग भी बना के बता सकती हूँ, बट है ना फ्रेंड्स मेरा ये घर है ना, मतलब कि आपको बता दूं वो छोटा है, और उसके बाद भी है ना लाइट इतनी फुल नहीं मिल पाती है, तो मतलब वीडियो शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब भी मैं वीडियो शूट करूँ तो मैं दिन में ही वीडियो शूट कर पाती हूँ, नहीं तो मैं अगर रात में वीडियो शूट करूँ ना तो उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो अंधेरा रहेगा तो आपको बिल्कुल ना सही नहीं दिखेगा वीडियो, ना क्लियर नहीं आएगा ना। तो इसके कारण से मैं रात वाला ना ब्लॉग ना बहुत कम शूट करती हूँ, यानी कि ना के बराबर ही समझिए, क्योंकि ना नहीं कर पाती हूँ। फुल रोशनी चाहिए, मरकरी लाइट चाहिए, तब जाके कहीं ना ब्लॉग ना शूट हो पाएगा, नहीं तो वरना नहीं। तो फ्रेंड्स ना ये मैं अब लग गई हूँ रात का सुबह मतलब कि काम करने में। तो ये सुबह मैं 5 बजे जब मैं उठी थी, जब मैंने पानी नहीं भरा था, तो ये सारे कपड़े आप दीवार पे देख रहे हैं, इनको मैं धुल के ना डाल गई थी, बट ना यहाँ पे अंधेरा था क्योंकि कल ना बारिश भी हुई थी, और ना बारिश के साथ मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की फुल्के ना 15 मिनट 10 मिनट के लिए बूंदे बारिश हुई थी बस, उसके कारण सही है। ज़मीन में ना जो टीन के ऊपर से जो मिट्टी छाई हुई ना वो ज़मीन में आगे चिपक गई। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे दाल वगैरह सूखने के लिए डाल दूँगी ज़मीन पे, पहले मैं धुल देती हूँ, क्योंकि दाल फ्रेंड्स मैं कपड़े पे बहुत कम डालती हूँ, मैं ज़्यादातर ज़मीन पे ही डालती हूँ। ज़मीन को धुल लूँगी, साफ़ करूँगी, पोंछ लूँगी, फिर उसके बाद डालूँगी, क्योंकि जब ज़मीन तप जाती है ना तो दाल भी है ना उसके अंदर कीड़े होते हैं ना, बैक्टीरिया वो सारे मर जाते हैं, नहीं तो वो कपड़े के अंदर दबे रह जाते हैं, नीचे छुप जाते हैं, तो वो फिर से दाल के अंदर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको ना कड़क धूप के अंदर और बिल्कुल इसको ना ज़मीन में सुखा लेती हूँ, ताकि ना ये बहुत अच्छी तरीके से सूख जाए, इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो। तो फ्रेंड्स हालत है ख़राब, दवा ले भी ली है और फिर भी करना पड़ा है मुझको सारा घर का काम, कैसे संभालूं मैं इतना सारा काम। तो फ्रेंड्स काम तो मेरे को ही संभालना है, घर मेरा, गृहस्थी मेरी, तो मेरे को ही करना पड़ेगा। बट ना मैं जब दवा लेकर आई थी ना तो मुझे तो यूँ लग रहा था पता नहीं इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो जाऊँगी। बट ना मैं आपको बता दूँ, थायराइड थी मेरे थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, और रिपोर्ट ना मेरा हीमोग्लोबिन मतलब कि शुगर वगैरह सब कुछ जांच हुआ है, शुगर नॉर्मल निकली है बिल्कुल। तो शुगर वाले वेट मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वेट लगभग 85 हो गया है, तो 85 आप समझते हैं 85 किलो वज़न है मेरा, तो हाइट मतलब कि 5.4 है, तो उसके हिसाब से वेट भी मतलब कि बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ना मैंने कहा चलो इस छत को धुल दूँ, फिर उसके बाद अपना किचन में चल के काम करेंगे, और आपको बता दूँ ये जब मैंने ये छत धुली थी उस टाइम ना ये टंकी भरी थी, और ये टंकी भी मतलब कि खाली हो गई है, और टंकी में बहुत कम पानी है, मैं ये नीचे से पानी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो इसको बाल्टी भरी हुई थी तो मैं छत पर ले आई और मैंने छत को धुल दिया है। ये छत बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है, अब इसको तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब चलती हूँ मैं जहाँ पे ये बोरिया बिस्तर पड़े हुए हैं, मतलब कि बच्चे ना सुबह ना उठे तो ऐसे ऐसे ही छोड़ के स्कूल गए हुए हैं, तो मैं भी इसको उठा के घर ही करके रख देती हूँ। तो आज फ्रेंड्स खाना लेट हो गया, सुबह मैंने ना बच्चों को मैंने चाय पराठा दे दिया था, तो वो ही खा के चले गए, हस्बैंड आज नहीं गए हैं, आज थोड़ा सा लेट जाएंगे, तो उन्होंने बोल दिया लंच बॉक्स है ना बच्चों का लेते हुए जाएंगे वो ही, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा इतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ना सुबह को मतलब कपड़े वपड़े भी धुल लिए हैं,
है ना। और ना पानी भी भर लिया है, बेशक मेरी तबीयत ख़राब थी, बट ना फ्रेंड्स ना आपको मैं बता दूँ कि ना जब तबीयत ना किसी भी इंसान की ख़राब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी बीमार व्यक्ति हो, आप हो या फिर आपके घर में हो, उसको ज़्यादातर मतलब कि टेंशन रहेगी तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो अगर आपको बुखार आता है या कोई भी परेशानी है तो आप ना जितना चाहे उतना ना खुश रहने की कोशिश कीजिए, सारी दुनियादारी टेंशन भुलाइए और कुछ जितना चाहे उतना खुश रहिए, है ना। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा ना टेंशन नहीं करती हूँ मैं। अगर तबीयत भी मेरी ख़राब हो जाती है ना तो मैं काम में लगी रहती हूँ। ये नहीं कि मैं अगर भी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हो जाता तो मतलब कि जैसे मेरे बिल्कुल भी मैसेज नहीं उठा जा रहा उस सीज़न, उस मतलब कि उस परिस्थिति में मतलब कि मैं लेटती हूँ, वरना मैं नहीं लेटती हूँ। तो काम अगर मैं बीमार भी हो जाती हूँ बट मैं तब भी काम करती रहती हूँ और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अगर जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे ना तो कहीं ज़्यादा उससे ज़्यादा और भी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए टेंशन तो बिल्कुल भी आप ना लेना, ना ही आपके घर में कोई भी अगर बीमार व्यक्ति सदस्य है ना ही आप उनको टेंशन लेने देना। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स इधर कुछ बिस्तर पड़े हुए तो उसको मैंने घर ही करके रख देती हूँ, उस पलंग को खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि इधर तो मैंने झाड़ू पहले ही निकाली थी, इधर साफ़ है, इधर मैंने पोंछा कर दिया था, मुझे धुलना नहीं है, बस धुलना था मेरे को इधर ये टीन के इधर, क्योंकि बारिश हुई थी ना तो ये सारा मिट्टी वाला पानी ज़मीन में गिरता रहा था। और उसके बाद ये फिर से मतलब गंदा हो गया था तो मैंने कहा चलो मैं धुल ही देती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा ये बुक वगैरह सेट कर देती हूँ। तो इधर गाय आ गई थी तो उसको टोस्ट वगैरह डाल लेते, तो गाय मतलब आती है बेचारी ना, उसके पैर नहीं है, वो लंगड़ी गाय है तो वो रोज आती है। और कुछ डोगी हैं उनके लिए मैं रोटी वोटी कर देती हूँ, तो डोगी रोटी खा लेते हैं, गाय भी खा लेती है, ऐसी बात नहीं है। और टोस्ट ना उसके लिए लेकर आते हैं हस्बैंड, तो वो टोस्ट डाल देते हैं उसको। इधर बंदर भी आता है उसको भी डाल देते हो। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये लाल मिर्च है तो इसको मेरे को सूखने के लिए रखना है। इधर मैंने छत धुल दी है, अब मेरे को इधर कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि गंदी तो बिल्कुल रही नहीं है। तो इधर ये लाल मिर्च हो गई थी तो मैंने कि इसको घाम में सुखा लूँगी तो ये सूख जाएगी ना, तो ये काम ही आ जाएंगे। जैसे बच्चे जब जिद करते हैं मोमोज वगैरह की चटनी वटनी बनाने के लिए तो उसमें 2-3 मिर्च डाल दो, बाकी की तीखी स्पाइसी वाली मिर्च डाल दो। तो अब चलती हूँ छत वत झाड़ ली, अब चलती हूँ किचन की तरफ। तो किचन का काम अभी बाकी है, वो भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, वो भी करना है मेरे को। तो चलिए मैं आ गई हूँ। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आप फेस देख के तो पता लगा ही सकते हैं मतलब कि तबीयत सही नहीं है, उतरा हुआ है बिल्कुल चेहरा है मेरा। तो चलिए मैं खाना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। इधर मैंने भिंडी काट ली है, प्याज को मैंने छील के रख दिया, पानी गर्म करके रखा हुआ है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया जाए सुबह सुबह को। और वैसे मैं अपनी थायराइड की ना 100 mg की दवा मैं टेबलेट ना पर डे लेती हूँ, तो मेरा थायराइड ना कंट्रोल में है, बट ना उस पर 1% ना ऊपर बढ़ गया है। तो मुझे मतलब दवा थायराइड की उतनी ही रखनी है, नहीं तो उसकी ना जो एवरेज होती है वो थोड़ा सा बढ़ा देते, यानी कि ना 150 कर देते या 120 कर देते समझ लीजिए। तो ज़्यादा नहीं था इसलिए मेरे को 100 mg की दवा खानी पड़ी है, क्योंकि जो मैं पहले से ही खाती थी उससे मेरा मतलब कि थायराइड भी कंट्रोल में ही है, ज़्यादा डॉक्टर ने बोला ज़्यादा नहीं है, बट वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वेट ना बढ़ने का रीज़न भी उन्होंने पता किया, उन्होंने शुगर वगैरह वो भी जाँच कराई तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स इधर कुछ काम करती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है ना कि भूल जाती हूँ। आपसे मैंने अभी बोला टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना, बट ना इतना भी करो टेंशन से बच नहीं पाते हैं। तो अभी मैं भिंडी तो मैंने काट ली है, प्याज मैंने छील लिया है, तो प्याज को भी मैं कट कर ले रही हूँ। और इधर मैंने बारीक बारीक पहले मैं लहसुन काट ले रही हूँ। तो भिंडी ना अब ये गर्मी की सीज़न है, इसमें भिंडी ही खानी पड़ेगी, तो लहसुन को मैंने कट कर लिया है। अब आती है प्याज की बारी, प्याज को भी मैं कट कर लेती हूँ। तो अब इसमें मेरे को देना है तड़का, तो मैंने ना जो भगोने नीचे रखे हो ना उसके ऊपर प्लेट नहीं थी तो मैंने उसको ढक दिया है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल ना ख़राब हो रखा है, मोबाइल का स्टैंड, तो ना कभी भी मोबाइल निकल के गिर सकता है ज़मीन में, भगवान ना करे कहीं मेरा ना मोबाइल है ना जो भगोने में यानी कि पानी के अंदर गिर जाए, क्योंकि आपको पता है किचन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, सारा सामान इधर ही जो मेरे पैरों यानी कि ज़मीन में कदमों तले रखा हुआ रहता है पानी भरा हुआ, तो मेरे को डर लगता है क्योंकि स्टैंड से अगर मेरा
का कैमरा गिर गया तो क्या होगा फिर? तो इधर तेल गन्ना गर्म हो गया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया। इसको मैं अब नमक और हल्दी डाल के इस तरीके से पकने दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जो नमक और हल्दी है ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है नमक और हल्दी डाल दी। इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको कवर करके पकने दूंगी। और अभी इसके अंदर मैं धनिया और लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। इसको मैं 1-2 बार और मैं इसको चला लूंगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर धनिया और लाल मिर्च ना ऐड करके इसको फिर से कवर कर दूंगी। और जब मैं फिर से मतलब कि इसको चलाऊंगी तो धनिया और मिर्च मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसको फुल फ्लेम करके इसको तड़का दे के इस मतलब कि एकदम से ना चटका लूँगी भिंडी को, जिससे कि इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए। जब तक चिपचिपाट रहती है भिंडी में तब तक ना ये समझिए कि भिंडी ना मतलब कि बनी नहीं है। भिंडी में से तार जैसा छूटता है ना तो भिंडी बनती नहीं है। ये देख लीजिए, मैं बाहर से निकाल के लेकर आई हूँ प्रेशर कुकर के अंदर से ये लौकी। इसको छील के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि लौकी का मुझे रायता करना है। काफ़ी दिन से रखी हुई थी लौकी, बट इसका रायता नहीं हो पा रहा था और लौकी भी ख़राब होने वाली थी। जब ना ज़्यादा फ्रिज हो जाती है ना सब्जी, तो आपको पता है ख़राब होने की नौबत आ जाती है। इधर मैंने रात को दही जमा दिया था, यानी कि दूध को जमा दिया था, जिससे दही बनके तैयार हो गया। इसको मैंने भगोने के अंदर पलट लिया है। अब इसके अंदर ये जो मैंने लौकी थी मैश करी हुई, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसमें उसी ना बर्तन के अंदर जिसके अंदर लौकी मैश की, उसके अंदर थोड़ा सा पानी लेकर इस दही के अंदर डालते हुए, इधर मुझे याद आ गया कि मेरे को ना शाम के लिए जामुन भी रखना है, यानी कि सेजा भी रखना है, जिससे कि मैं दही वापस से जमा सकूँ। तो मैं भूल जाती तो फिर मेरे को मांगने जाना पड़ता, इसलिए मुझे याद आ गया मौके पे और मैंने वो जामुन निकाल लिया, जिससे कि मेरे को फिर से दही जमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उसी बर्तन के अंदर मैंने पानी लेके इस मठे के अंदर ऐड कर दिया। अब आते हैं इसके तड़का देने की बारी। तो उससे पहले मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, जो जो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। इधर मैंने साबित धनिया, साबित लाल मिर्च, हींग, जीरा, नमक का मैंने इधर मसाला बना के क्रश करके जीरा वीरा का तैयार करके रखा हुआ, नमक मिर्च वाला वो ऐड कर दिया, भुना जीरा ऐड कर दिया है और टेस्ट अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब आती है इसको तड़का देने की बारी। तो इधर मैंने वही अपना चमचा लिया है, यानी कि जिसके अंदर मैं तड़का देती हूँ, उसको मैंने गैस पे रख दिया। इसके अंदर मैंने ऑयल गरम कर दिया है। ऑयल गरम होते ही इसमें जीरा और हींग का मैंने इसको फटाफट से एक बढ़िया सा तड़का दिया है। मैंने इसके अंदर मतलब कि इसको फटाफट से कवर कर दिया है और इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो आपको भी दिखा देती हूँ, रायता मेरा इधर बन के तैयार हो गया है। जब भी आपको गर्मी सताए और आपका मन करे कुछ अलग ही खाने का, तो ये लौकी का वाला रायता आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ऐसा लौकी का रायता। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा तरोताज़ा और ठंडक करने वाला ये लौकी का रायता आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। आप चाहो तो इसी तरीके से खीरे का रायता भी बन सकता है, बट ना वो खीरे को आप छील लीजिएगा, उसको ना आप ग्रेटर से ग्रेट करके इस तरीके से रायता कीजिएगा। तो इधर मेरे को रायता अपने हस्बैंड के लिए पैक करना है, तो इधर मैंने बोतल को साफ़ कर लिया था। इसी बोतल के अंदर मैंने रायता पैक कर दिया, क्योंकि वो जाएंगे अपना खाना लेके, यहाँ शनिवार है आज, मतलब वो मंदिर जाएंगे तो इसलिए वो खाना खा के नहीं जाएंगे। तो सबको पुदीना नहीं पसंद आता, तो हस्बैंड के जो रायता था ना उसके अंदर मैंने पुदीना ऐड कर दिया है, यानी कि पुदीने को मैंने धुल के, हरे पुदीने पत्ती को मैंने धुल के सुखा लिया था और उसके बाद उसकी पत्ती बारीक करके हथेली से मैश कर लिया था। फिर उसके बाद मैं इसको डिब्बी में भर के रखती हूँ। जब भी मैं रायता बनाती हूँ तो ये पुदीना पाउडर ज़रूर ऐड कर देती हूँ, बच्चों को नहीं पसंद आता है तो इसलिए मैंने हस्बैंड की जो बोतल थी उसी के अंदर मैंने वो पुदीना का जो मैंने पाउडर बनाया था वो ऐड कर दिया है, उसको शेक कर दिया है। तो इधर थोड़ा सा ना बोतल के ऊपर मट्ठा फैल गया था तो मैंने उसको धुल दिया। इधर मैंने आटा गूंद ले रही हूँ और आटा छान लिया है। इधर फटाफट से आटा गूंद के मैं इधर से तैयार कर लूँगी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए